हेलो एवरीवन, आज मैं आपको ये वाला कोस्टर बनाना बताऊंगी। इस वाले कोस्टर के लिए दो कलर की वूल का यूज़ किया है और मैंने आज ये वाले, आपके पास जो कलर भी हो आप वो ले सकते हैं। मैंने आज ग्रे और येलो कलर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 3 mm का क्रोशे हुक लिया है और वूल ली है 3-ply की। सबसे पहले एक लूप बनाएंगे। फिर इसके बाद 1, 2, 3 और 4 चैन बनाएंगे। फिर लूप लेंगे, जो लास्ट वाली हमारी चैन है उसमें अपना क्रोशे हुक डाल के एक डबल क्रोशे बनाएंगे। जो ये हमारी चैन है, 3 चैन है, इसको भी एक डबल क्रोशे ही काउंट करेंगे। ये जो हमारा ये दूसरा डबल क्रोशे हो गया, इसी वाली में डाल के तीसरा डबल क्रोशे और इसी वाली चैन में डाल के चौथा, 4, 5, ऐसे ही करके हम इसी सेम चैन में डाल के, इसी वाले लूप में डाल के 14 डबल क्रोशे बनाएंगे। ऐसे हमने ये 14 डबल क्रोशे बना लिए इस रिंग में। उसके बाद हम एंड में आ गए। जो हमने 3 चैन बनाई थी, 1, 2, 3rd वाली चैन में अपना क्रोशे हुक डालेंगे और स्लिप स्टिच की हेल्प से इसको जोड़ देंगे ऐसे। फिर उसके बाद 1, 2 और 3 चैन बनाएंगे और अपना क्रोशे हुक लूप लेंगे और सेम इसी में अपना क्रोशे हुक डालेंगे, इसी वाले लूप में, और एक डबल क्रोशे बनाएंगे जहाँ पे ये हमने 3 चैन बनाई थी उसी वाले लूप में। फिर सेकेंड वाले में अपना क्रोशे हुक डालेंगे दूसरी चैन में, फिर एक डबल क्रोशे और ये दूसरा डबल क्रोशे। फिर 3rd चैन में अपना क्रोशे हुक डालेंगे, फिर एक डबल क्रोशे और फिर 2 डबल क्रोशे। इस तरह से हम सभी चैनों में 2-2 डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। इस तरह से अपना ये सर्कल राउंड पूरा करते जाएंगे। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया, अब एंड में पहुंच गए। अब हम तो इसमें क्या करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चैन में अपने क्रोशे हुक को डाल के स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है इसको। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 1, 2, 3 चैन बना लेनी है। सेम इसी लूप में अपने क्रोशे हुक को डाल के एक डबल क्रोशे बना लेना है। तो हमारे पास फर्स्ट जो राउंड था उसमें 14 डबल क्रोशे थे, सेकंड वाले में 28 डबल क्रोशे होने चाहिए, 28, और थर्ड वाले राउंड में, चलिए मैं बताती हूँ आपको, तो इसमें 2 हो गए एक चैन में 2 डबल क्रोशे और फिर नेक्स्ट चैन में डाल के अपने क्रोशे हुक को एक डबल क्रोशे बनाएंगे और नेक्स्ट चैन में अपने क्रोशे हुक को डालेंगे, इसमें 2 बनाएंगे, 1 और ये 2। इसमें क्या करना है, फर्स्ट चैन में तो 1 डबल क्रोशे बनाना है, फिर उससे सेकंड नेक्स्ट चैन में 2 डबल क्रोशे बनाना है, 1 में 1 और दूसरे में 2 डबल क्रोशे। ऐसे करके राउंड बनता जाएगा और इसमें टोटल हमारे पास 42 डबल क्रोशे होने चाहिए। ऐसे हम ये लास्ट में पहुंच गए हैं, बना लेते हैं। इसके बाद जो हमारी 3 चैन है बनाई थी उसमें 3rd वाली में अपने क्रोशे हुक को डाल के स्लिप स्टिच की हेल्प से इसे जोड़ देंगे और इस वाले राउंड में हमारे पास टोटल 42 डबल क्रोशे हैं, 42। तो यहाँ से अब इस धागे को एक चैन बना के कट कर देंगे और इसको पुल करेंगे, खींच लेंगे टाइटली ताकि ये अच्छे से बन जाए। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया और इस धागे को अब क्या करेंगे, जो हमारे धागे निकले हुए हैं, जो हमारी वूल है, इसको हम लूप में डालेंगे, लूप में डाल के हाइड कर लेंगे इसको क्रोशे हुक की हेल्प से ऐसे। ऐसे लूप में डाल के इसको अंदर की तरफ से, रॉन्ग साइड की तरफ से लूप में डाल के अपनी थ्रेड को हाइड कर लेंगे ऐसे। इसी तरह से हम इस वाले थ्रेड को भी हाइड कर लेंगे। हम क्या करेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए,
दूसरे कलर का वूल लेंगी, लूप बनाएंगी, और लूप बनाने के बाद फिर इसको पकड़ेंगे अपने सर्कल को किसी भी एक चैन में, चैन की तरफ से क्रोशियो को ऐसे डालेंगे और इस वाले लूप को क्रोशे के अंदर डाल के, क्रोशियो के अंदर डाल के ऐसे करेंगे, फिर वन इसको यहाँ से थोड़ा सा पुल कर लेंगे, खींच लेंगे, टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये सेवन, सेवन क्रॉश चैन बनाएंगे। सेवन चैन बनाने के बाद जिस चैन में जिस डबल क्रोशे में आपने सेवन चैन बनाई है उसको काउंट करेंगे, उससे वन टू थ्री और ये फोर्थ वाली डबल क्रोशे के ऊपर जो चैन है उसमें अपने क्रोशे ऊपर डाल के एक डबल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद चार चैन बनाएंगे, वन टू थ्री और फोर चैन बनाएंगे, फिर से इसको गिनेंगे जिसमें हमने बनाया चैन, वन डबल क्रोशे, वन टू थ्री और फोर्थ वाले में डाल के अपने क्रोशे हुक को एक डबल क्रोशे बनाएंगे, एक डबल क्रोशे बनाएंगे, ऐसे करके अपना ये राउंड कंप्लीट करना है, एक दो तीन और ये चार, फिर यहाँ से काउंट करेंगे, वन टू थ्री और ये फोर्थ वाली चैन में अपना हुक डाल के एक डबल क्रोशे बनाएंगे, ऐसे करके पूरे सर्कल में अपना ये बनाते जाएंगे सारा, ये हमारा एंड में ऐसे बनेगा और लास्ट में वन टू थ्री और ये फोर चैने बनाएंगे। और जो हमने सेवन चैन बनाई थी फर्स्ट में, जो सेवन चैन बनाई थी उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चैन में अपना क्रोशिया हुक डाल के स्लिप स्टिच की हेल्प से जोड़ लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, तो ये ऐसे बन जाएगा। इसको ज्वाइन करने के बाद इसमें नेक्स्ट के लिए वन टू थ्री फोर और ये फाइव चैन बनाएंगे, फिर इसको टर्न करेंगे, फिर जो हमारा नेक्स्ट डबल क्रोशे है उसके ऊपर जो चैन है उसमें अपने क्रोशे हुक को डाल के ऐसे एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे, फिर उसके ऊपर एक दो तीन चैन बनाएंगे, फिर इसको टर्न कर लेंगे, सीधी साइड आ जाएंगे। टर्न करने के बाद जो हमारा ये लूप बन गया, लूप दिख रहा है, इसके अंदर देखो ऐसे, देखिए इसके अंदर हम 10 डबल क्रोशे बना लेंगे और ये जो तीन चैने बनाए इसको एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और ये दस, इस तरह से इसमें हमने 10 डबल क्रोशे बना लिए। उसके बाद ये जो हमारे नीचे ये दिख रहा है, इसके जो ये डबल क्रोशे दिख रहा है इसके नीचे एक लाइन जो दिख रही है, इसमें हम इसको बेस बनाएंगे और इसमें 5 डबल क्रोशे बनाएंगे, देखिए ऐसे। इसके बाद 10 बनाने के बाद इसको ऐसे पकड़ के इसमें 5 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, इसमें हमने ऐसे 5 डबल क्रोशे बना लिए, ऐसे 5 डबल क्रोशे बन जाएंगे। इसमें 5 डबल क्रोशे बनाने के बाद जो इसकी नेक्स्ट वाली है, इससे जो नेक्स्ट वाली है हमारी, इसके अंदर इस चैन में हम स्लिप स्टिच के हेल्प से जोड़ देंगे ऐसे, और उसके बाद इसके अंदर 1 2 3 4 और ये 5 चैन बनाएंगे और इसको टर्न कर देंगे,
रॉन्ग साइड में हमारे पास जिसके अंदर हमने 10 चैन बनाई थी, 10 डबल क्रोशे बनाए थे सॉरी, ये वाली जो लूप है इसके अंदर अपने क्रोशे हुक को डालेंगे ऐसे, और एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे ऐसे, सिंगल क्रोशे बना लेंगे, फिर एक दो और ये तीन चैन बनाएंगे। तीन चैन बनाने के बाद इसको टर्न करेंगे, ये देखिए टर्न करने के बाद ये फ्रंट साइड से ऐसे यहाँ पे हमें ये लूप मिल जाएगा सेम पहले जैसा, और ये तीन क्रोशे एक डबल चैन डबल क्रोशे, तीन चैन एक डबल क्रोशे, और इस लूप के अंदर हम 10 डबल क्रोशे बनाएंगे इसकी तरह, दो एक पहले से है, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और ये 10। अब इसके अंदर हमने 10 डबल क्रोशे बना लिए, फिर सेम जो इसके नीचे वाला है इसमें 5 डबल क्रोशे बना लेंगे ऐसे, 1 2 3 4 और ये 5, 5 डबल क्रोशे बन गए ऐसे, देखिए ऐसे। फिर सेम वही जो नेक्स्ट है इसके अंदर स्लिप स्टिच के हेल्प से इसे जॉइन कर लेंगे इस तरह से, इस तरह से बनता जाएगा हमारा। फिर अगेन इसके अंदर 1 2 3 4 5 चैन बनाएंगे, फिर टर्न करेंगे, फिर ये 10 क्रोशे 10 डबल क्रोशे वाले जो हमारे पास लूप है इसके अंदर अपने क्रोशे हुक को डाल के स्लिप स्टिच की हेल्प से इसको नहीं सॉरी एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, उसके बाद एक दो तीन चैन बनाएंगे, फिर ये लूप बन जाएगा हमारा। इसको टर्न करेंगे, देखिए फ्रंट से ऐसे हो जाएगा और बैक साइड से लूप बनेगा, फिर इसमें डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर अगेन इसमें 5 और फिर इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से जोड़ देंगे, फिर 5 क्रोशे बनाएंगे 5 चैन बनाएंगे, फिर टर्न करेंगे। इस तरह से हमें ये बनाते जाना है एंड तक, तो ये हमारा ऐसे बनेगा, ये मैंने बनाया हुआ है पहले से, इस तरह से ये पूरा राउंड सर्कल बनेगा, ये देखिए ऐसे बनेगा ये। चले बनाते हैं, ये राउंड इस तरह से बनता जाएगा। ये हमारा ऐसे बनता जाएगा, एंड में मैं आपको बता देती हूँ आगे कैसे करना है। इसके बाद 10 के बाद हम यहाँ पे इस वाले में हम 5 बनाते हैं, तो बना लेते हैं 1 5 डबल क्रोशे बना लेते हैं, 2 सेम वैसे ही करना है जैसे हम करते आ रहे हैं, 3 4 और ये 5। अब इसके बाद हम इस वाले में एंड में आ गए, तो हमारे हम एक नेक्स्ट लूप में इसको करते हैं स्लिप स्टिच से ज्वाइन करते हैं, तो हमारे पास अब ये वाली लूप है, तो हम इस वाली में जिसमें हम बना चुके हैं लास्ट में इस वाली लूप में इसको स्लिप स्टिच के हेल्प से ज्वाइन कर लेंगे। सेम वही स्टेप फॉलो करना है बस ये इस वाले में, फिर हम 5 चैन बनाएंगे, 3 4 5 अपने वर्क को टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद वही ये 10 डबल क्रोशे के साथ में जो लूप है उसमें अपने क्रोशे हुक को डाल के एक सिंगल क्रोशे करेंगे, उसके बाद एक दो और तीन चैन बनाएंगे, तीन चैन बनाने के बाद टर्न करेंगे, और ये जो हमारा लूप बन गया इसी में हम 10 क्रोशे करेंगे डबल क्रोशे, 1 चैन हो गया, 2 3 4 5 ऐसे बनता जाएगा, 6 7
सेवन एट नाइन और ये टेन। हमने टेन बना ली डबल क्रोशी। उसके बाद फिर जो ये हमारी ये वाली चेन है जो इसके साथ है, इस वाले के साथ, इसमें हम जिसमें फाइव क्रोशे बनाते हैं, डबल क्रोशे बनाते हैं, इसमें बनाएंगे, इसके नीचे बनाते हैं वन टू थ्री फोर और ये फाइव। इस तरह से फाइव बना लिए। उसके बाद फाइव बनाने के बाद अब इसको हम जैसे नेक्स्ट वाले में ज्वाइन करते हैं, तो इस वाले जो हमारा नेक्स्ट वाले जो हमारा ये डबल क्रोशे वाला लूप होता था ऊपर चैन, तो इस वाले को करेंगे। अब क्या करेंगे, हम अपने क्रोशे हुक को यहाँ से निकालेंगे, पीछे से, बैक साइड से, इस वाले लूप से, ये जो लूप है, लूप है, इसमें से अपने क्रोशे हुक को निकालेंगे और ये लूप है इसको ऐसे टर्न करके बैक साइड में ले जाएंगे। बैक साइड में क्रोशे हुक की हेल्प से ऐसे बैक साइड में ले जाएंगे, देखिए इस तरह से, और ये ऐसे बनेगा हमारा। उसके बाद यहीं से हम एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे, ये लूप यहाँ से ले लेंगे, थ्रेड को अपनी इसके बीच में से निकाल लेंगे इस तरह से, और एक सिंगल क्रोशे, एक चैन बना लेंगे यहाँ पे, और इसको पुल कर लेंगे और थ्रेड को पुल कर लेंगे और थ्रेड को कट कर लेंगे, इसको टाइटली पुल कर लेंगे और ये ऐसे हो गया टाइटली, देखिए इस तरह से बन गया हमारा। सारे सब चीज़ें बन गई इसमें, सारे जो पेटल्स बने हुए सब बन गए। अब बैक साइड में जो हमारे थ्रेड था और ये था, पहले जो हमने जब स्टार्टिंग में बनाया था, तो हम इन दोनों को साथ में टाई कर देंगे ताकि ये सिक्योर रहे, निकले ना, वन टू अच्छे से टाई कर देंगे साथ में। एक और काट मार देते हैं, थ्रेड को कट कर देंगे, इनको लूप में डालना चाहे तो लूप में डाल लें, नहीं तो और थोड़ा सा कट कर सकते हैं। अभी हमारा इस तरह से बन गया। इस राउंड के लिए हम जो बीच में सेंटर में हमने थ्रेड लगाई थी वो वाली थ्रेड यूज, उस कलर की थ्रेड यूज़ करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम एक लूप बनाएंगे, लूप बनाएंगे, लूप बनाने के बाद अपने वर्क को पकड़ेंगे और ऐसे करेंगे। जो हमारी ये चैने दिख रही है ना, जो ये इसके पीछे जो चैने हैं, उसमें अपने क्रोशे हुक को डालेंगे एक लूप में और एक लूप डालेंगे इसमें, अपने लूप जो बनाया था हमने उसको क्रोशे हुक में डालेंगे और उसको ऐसे लेंगे, फिर एक चैन बनाएंगे और ये जो थ्रेड है साथ में पकड़ के इसको भी बुनते चले जाएंगे इसके साथ, ताकि ये निकले ना, सिक्योर रहे। क्रोशे हुक को डालेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, उसके बाद एक दो और ये तीन चैन बनाएंगे और इसमें एक डबल, इसी ये जो लूप बना हुआ है हमारा लूप, इसी में अपने क्रोशे हुक को डालेंगे और डबल क्रोशे बनाएंगे, ऐसे डबल क्रोशे बनाया, एक, ये तीन चैनों का एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे इसे, और ऐसे ही छह डबल क्रोशे बनाएंगे इसमें, तीन चार पाँच, पाँच के बाद और ये छः, सिक्स डबल क्रोशे बनाएंगे, सिक्स डबल क्रोशे बन गए। इसके बाद हमने जो तीन चैने बनाई थी, इसमें से थर्ड वाली चैन के में क्रोशे ऊपर डाल के जो लूप है इसको इसके अंदर से निकालेंगे ऐसे,
ये हमारा एक बर्ड बन जाएगा पेटल टाइप का। फिर एक दो तीन चार और पांच, पांच चैन बनाएंगे। फिर जो नेक्स्ट वाला है, इसके नेक्स्ट वाला जो लूप है, जो हमारी चैनें दिख रही हैं पीछे, ये ऐसी जो चैनें हैं, इन चैनों को लेके इस वाले लूप, इन चैनों को लेके इस वाले लूप में बनाएंगे, क्रोशे हुक को डालेंगे इसके अंदर। फिर सेम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर वन टू थ्री चैन बनाएंगे, अगेन वन एक दो छः डबल क्रोशे बनाएंगे, तीन चार पाँच और ये छः, छः डबल क्रोशे बनाएंगे, क्रोशे हुक को निकालेंगे, फिर अगेन थर्ड चैन में डालेंगे क्रोशे हुक को, ये वाला लूप को इसके अंदर डालेंगे और ऐसे निकालेंगे, पुल करेंगे, ये देखिए ऐसे पेटल बन गया। फिर अगेन पाँच, एक दो तीन चार पाँच चैन बनाएंगे, ये लूप पकड़ेंगे, इसमें अपने क्रोशे हुक को डाल के सिंगल क्रोशे, फिर एक दो तीन ऐसे करके अपना बनाते जाएंगे, और ये सीधे में ऐसे बनेगा। ये जो इन दोनों के बीच में जगह है, इसको ऐसे निकालेंगे, ये पेटल फ्लावर बर्ड की तरह बन जाएगा, फ्लावर बर्ड होता है पेटल्स की तरह, ऐसे ये सारे राउंड्स में बनाते जाएंगे, ये हमारी बैक साइड से ऐसे बनते जाएंगी और फ्रंट साइड से ऐसे, ये हमें इसके अंदर जो लूप है इसमें से निकालेंगे ऐसे फ्लावर बर्ड की तरह, इस तरह से ये ऐसे दिखेंगी, बनाते जाते हैं। लास्ट में पहुंच गए हैं तो फाइव चेन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव चेन बनाएंगे। और जो ये हमारा नेक्स्ट है, ये वाला जो ये वाला पेटल है, इसके जो एंड में चेन है, इसमें अपने क्रोशे हुक को डालेंगे और एक स्लिप स्टिच की, स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और एक चैन बना लेंगे और इसको निकाल लेंगे और इसको थ्रेड को कट कर लेंगे और इसे टाइट कर लेंगे, पुल कर लेंगे, ये हमारा ऐसे, तो पीछे से ऐसे बनेगा बैक साइड से। तो हम इनको, ये जो ये है, इसके अंदर डालते जाएंगे ऐसे ऐसे फ्रंट से, ऐसे फ्रंट साइड से ये पेटल्स को ऐसे निकालते जाएंगे इस तरह से, सब पेटल्स को निकालते जाएंगे, ये हमारा एक ब्यूटीफुल कोस्टर बन गया और फ्लावर पेटल्स के साथ। और बैक साइड से ये जो थ्रेड निकली है, आप इनको लूप में डाल देना क्रोशे हुक की हेल्प से, ये हाइड कर हो जाएंगी। तो इसे ज़रूर बनाएं, मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है और बहुत इजीली बन जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।